एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे अपने मैप मेकिंग की क्लासेस, और मैप मेकिंग की क्लासेस में फटाफट देखते हैं आगे हमारे पास क्या कुछ है। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगेन दीज आर अवर अवेलेबल कोर्सेज जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। अब देखिए, मैंने आप लोग को ये लोकेशंस दी हुई थी जिसमें मार्सिमिक ला, थांग लांग ला, खारदुंग ला, बुर्जिल पास, जोजिल ला, बाराला छला, शिपकेला, मानाला, ठागाला, लिपुलेख ला, ये सब मैंने पास दिए हुए थे, जिसमें से कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के थे, कुछ हिमाचल प्रदेश के हैं और कुछ हमारे उत्तराखंड के हैं। तो फटाफट देखते हैं इनकी पहले लोकेशंस, और लोकेशन के बाद एक काफी अच्छा सजेशन मुझे ईमेल किया है, और उसमें इन्होंने बोला है कि जैसे आप लोकेशन दिखाते हैं वैसे ही आप लोकेशन मार्क करके भी दिखा दिया करिए, तो ये हमें ज्यादा फायदा करेगा। तो काफी अच्छा सजेशन है और उसको मैं इस वीडियो से ही इंक्लूड कर रहा हूं। तो हम लोग पहले लोकेशन देखेंगे, फिर लोकेशन को मार्क करेंगे अपने मैप में, और उसके बाद से उसके सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, फटाफट देखते हैं पहले लोकेशन। सो दिस इज आवर अर्थ एंड गेटिंग इन टू इंडिया, अंदर चलते हैं, और यहां पर जब आप अंदर आएंगे तो लाइन से आपको पासेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे उत्तराखंड में जब आप आएंगे तो उत्तराखंड और तिब्बत का ये पास बना हुआ है जिसका नाम है लिपुलेखला। देखिए उत्तराखंड में है ये। सिमिलरली आप ऊपर आएंगे मानाला दिखेगा, ये भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है जो कि तिब्बत के साथ बॉर्डर बना रही है। अगेन देखिए इसके ऊपर जस्ट आएंगे आपको शिपकिला दिखेगा, फिर थागाला दिखेगा, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। सिमिलरली आप ऊपर आएंगे जम्मू कश्मीर में बाराला छला दिखेगा आपको, बाराछला के बाद फिर आपको दिखेगा तांगलांगला, तांगलांगला के जस्ट ऊपर यहां पर देखिए ट्रायंगल में बना हुआ है, एक साइड ट्रायंगल में मार्सिमिकला है, दूसरे साइड आपको खारदुंगला दिखेगा। सिमिलरली देखिए जो जिला आपको दिखेगा जो इंडिया में है लेकिन एलओसी के पास में है, बुर्जिल पास आपको देखने को मिलेगा कि एलओसी के पास में है और गिलगित बाल्टिस्तान वाले मतलब कि पीओके रीजन में चला गया है। तो ये देखिए हमारे कुछ लोकेशंस थी जिसको कि हम लोगों ने देखा। फटाफट आते हैं और इसको जरा लोकेट करते हैं, और लोकेट करने के बाद फिर इसकी लोकेशंस को हम लोग और देखेंगे। ओके, तो देखिए ये हमारी मैप है, और इस मैप में मैं फटाफट जो होता है लोकेशन स्टार्ट कर देता हूं। पासेस को आपको देखिए इस तरीके से दिखाना होता है, दिस इज लोकेशन ऑफ पास, ये होता है स्टैंडर्ड तरीका दिखाने का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है यहां पर, इस तरीके से आपने बना दिया, इस तरीके से यहां पर आपने बना दिया, और यहां पर आपने लिख दिया लिपुलेख, दिस इज लिपुलेख, क्लियर। जस्ट ऊपर यहां पर आप आ जाएंगे और यहां पर इसी तरीके से बना देंगे, और आप यहां पर लिख देंगे दिस इज मानाला। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। फिर उसके बाद से जैसे ही ऊपर आएंगे यहां पर आपको दिख जाएगा दिस इज थागाला टीएल। ठीक है, ऊपर आ जाइए, ऊपर आप बना देंगे, यहीं पर बना देंगे आप क्या, यहां पर आ जाएगी आपकी शिपकिला, दिस इज शिपकिला एस। फिर यहां पर आप आ जाइए, दिस इज व्हाट, दिस इज बारालाछला, ये आपके बीच में बारालाछा आ जाएगी। फिर उसके बाद से बारालाछा के बाद ट्रायंगल बना दीजिए, एक ये इधर, एक ये इधर, एक ये इधर, तो ये हो जाएगा मार्सिमिकला हो जाएगी। ये जो जस्ट नीचे है मतलब ये अगर ट्रायंगल में बोल रहा हूं तो ये मार्सिमिक हो जाएगी, मार्सिमिक के बाद नीचे ये वाली हो जाएगी मतलब यहां पर जो है ये हो जाएगी आपकी तांगलांगला, दिस इज तांगलांग। ठीक है, ऊपर वाली में आ जाएंगी खारदुंगला, ये है खारदुंग हो जाएगा, ये तांगलांग हो जाएगा, ये आपका मार्सिमिक हो जाएगा, और ये खारदुंगला हो जाएगा। फिर आप आ जाइए वापस से यहां पर, यहां पर आपकी जोजिला है, दिस इज जोजिला। फिर यही गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में जाकर के यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बुर्जिल पास। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो आप इस तरीके से लोकेशन दिखाएंगे। यहां पर देखिए कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया है क्योंकि हम लोग एक ही जगह की लोकेशन को देख लिए हैं। एग्जाम में आपसे एक ही जगह की लोकेशन नहीं पूछी जाएगी, अलग अलग जगह की लोकेशन पूछी जाएगी, तो आप एक अप्रोक्सीमेट हेल्प लेकर के आप इस तरीके से बना देंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है। जब भी बनाएंगे इस तरीके से दिखा देंगे रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू की ये चीज जो है वो हमारी पास है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो पहले मार्सिमिक ला है, तो मार्सिमिक इट इज अ पास इन लद्दाख, इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन वर्ल्ड पास इन द वर्ल्ड एट सच हाई एल्टीट्यूड, रीजन इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये हाईएस्ट मोटरेबल हो जाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था तीन पासिस के बारे में, मतलब मैंने बताया था कि चांगलांग ला जिसको खारदुंग ला भी बोलते हैं, और वही थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल है। फर्स्ट टू कौन सी है, एक मार्सिमिक है और दूसरी हमारी तांगलांग ला है, और उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गई फर्स्ट नंबर वाली, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया आगे वाले में। तांगलांग द पास इन लद्दाख इज द सेकेंड हाइएस्ट मोटरेबल माउंटेन
बाकी देखिए सारी की सारी चीजें आपकी सेम हो जाएंगी कि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो बस सिंपल एक ही चीज आपको तैयार रखनी है और वही आपको बार बार लिखना रहेगा, क्योंकि एक ही लोकेशन ऑब्वियसली नहीं आएगी आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है खारदुंगला, तो हम लोगों ने तो ऑलरेडी इसके बारे में हालांकि डिस्कस ही कर रखा है, थोड़ा सा और लोकेशन मैंने इसमें और इनहेंस कर दिया है कि माउंटेन रेंज इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह, द पास ऑन द लद्दाख रेंज इज नॉर्थ ऑफ लेह एंड द गेटवे टू द श्योक एंड नुब्रा वैली, सियाचिन ग्लेशियर लाइज पार्ट वे टू द लेटर वैली। अभी हम लोगों ने देखा, देखिए ये आई थी, ये हमारी मार्सिमिक थी, दिस इज टांगलांग थी ये वाली थी, और ये हमारी खारदुंगला थी, और ये सियाचिन के पास पहुंच जा रही है। क्लियर। आगे देखिए बुर्जिल पास के बारे में है, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में था, पीओके रीजन में था, द पोर्शन ऑफ NH1 द्रास कारगिल रूट पासेस थ्रू इट, इट वॉज एक्टिव रूट इन एंशियंट टाइम एज कारवा रूट फॉर कश्मीर एंड गिलगित, बट इट केम अंडर LOC सिंस इट हैज बीन क्लोज्ड एंड इट इज द ओल्डेस्ट कनेक्टिंग रूट टू गिलगित विद श्रीनगर एंड स्कारगादू थ्रू देवसाई प्लेटू। तो ये कुछ लोकेशन हैं जिनके बारे में लिख दिया गया है। आगे बात करें अगर जो जिला पास के बारे में है, द पास कनेक्ट लेह विथ कारगिल विथ श्रीनगर। जैसे क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं रूट दिखा देता हूं, कभी कश्मीर जाने को मौका मिले तो जरूर जाइएगा, काफी आपको एक्सप्लोर करने को चीजें मिल जाएंगी। सपोज दिस इज जम्मू तवी, जिसको हम लोग बोलते हैं कटरा में है, तो कटरा जाने के लिए रास्ता इधर से कट जाता है, दिस इज जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या फ्लाइट जो भी जिससे भी आपको जाना हो, एक तरफ कटरा कट जाता है, दूसरे तरफ रास्ता चला जाता है उधमपुर का, उधमपुर से नियरली इट विल टेक अराउंड 12 आवर टू गेट इनटू श्रीनगर, आप श्रीनगर में पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से एक रास्ता चला जाता है जो चला जाता है गुलमर्ग के साइड में, और दूसरा रास्ता चला जाता है पहलगाम, ये चली जाती है पहलगाम के साइड, पहलगाम वाली रोड ही आगे जाकर के आपको लेह कारगिल, ये कारगिल चली जाएगी, द्रास चली जाएगी, सियाचिन चली जाएगी, और फिर अल्टीमेटली लद्दाख चली जाती है। ये सीधे रास्ता जो जाता है वो चला जाता है कुपवाड़ा साइड में, ये चला जाता है कुपवाड़ा जहां पर आपकी लगातार मोटार वगैरह गिरती रहती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा रास्ता है, और इसी रास्ते पे पड़ता है आपका जोजिला, ये पड़ती है जोजिला। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके चलिए खैर, फिर नेक्स्ट आती है बारालाचाला। बारालाचाला ये तो मतलब बीच बीच का है, मतलब लाहौल स्पीति से कनेक्ट कर रहा होता है, तो हाई माउंटेन पास इन जंस्कार रेंज कनेक्टिंग लाहौल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख इन जम्मू कश्मीर, सिचुएटेड इन लेह मनाली हाईवे। सिमिलरली लेह मनाली का भी आपको यही रोड मिल जाएगा, आप जैसे आगे बढ़ेंगे आप आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में शिमला के एरिया में आ जाएंगे, शिमला से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे रोड कटी हुई है और आप आ जाएंगे मनाली, मनाली से आपको दो रोड कटी हुई मिलेगी, एक मिलेगी इधर जो चली जाती है कुल्लू, और यही कुल्लू आगे मणिकरण चली जाती है, मणिकरण जहां पर आपको हॉट स्प्रिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, और ये मनाली चली जाती है, और मनाली वाली रोड ही आगे लद्दाख को मिल जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके शिपकिला, ये मैं रोड आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए क्या चीज है कैसे है, और बाकी अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं कहूंगा जरूर घूमने जरूर जाइए, एक्सप्लोर करिए, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। शिपकिला पास, इट इज द बॉर्डर पास ऑफ इंडिया पाकिस्तान, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत इन चाइना। अभी हम लोगों ने देखा शिपकिला था, फिर थागाला था, द पास इन माउंटेन थर्ड बॉर्डर पोस्ट ऑफ ट्रेड विथ चाइना आफ्टर नाथुला एंड लिपुलेखला, लिपुलेखला और नथुला के बाद तीसरा होता है जो शिपकिला पड़ता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ सतलज रिवर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मानाला के बारे में आ जाएंगे, मानाला जो होती है वो उत्तराखंड में है, एंड द पास इज इन बिटवीन टंस वैली एंड यमुनोत्री वैली, पासेस एट द हेड ऑफ अमृत गंगा वैली, इट इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ एंड इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, द पास इज लोकेटेड एक्चुअली इज लोकेटेड विद इन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड लाइज एट द ईस्टर्न टर्मिनस ऑफ द जंस्कार माउंटेन रेंज। क्लियर, तो कुछ इस तरह से बातें हैं जो आपको लिखनी होंगी, इस तरह से लिखना है। लिपुलेखला के बारे में आ जाएंगे, इट इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, द पास इज इंडियाज थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना। बस यही है हमारी पूरी की पूरी सोल्यूशन, कल के लिए देख लेते हैं फटाफट। तो आपके लिए कल के लिए दिस विल बी डे 12, यहां पे गलती लिखा गया है, आपके लिए रहेगी क्या लोकेशन, नाथुला, जिलेपला, बुमला, सैंगसू पास, जबलपुर, फिर थालघाट, भोरघाट, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के पार्ट और सेंट्रल इंडिया में जितने भी हमारे पासेज हैं उनके बारे में आपको लोकेट करना है, 30 वर्ड लिखने हैं, हमको सेंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद से हम लोग मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करिए, रेज योर डाउट्स देयर, और ऑल्सो मैंने एक वीडियो निकाली हुई है जो
ज्योग्राफी ऑप्शनल सीरीज की है, ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज की हुई है, तो आपको सजेशन में देखिए वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।